नमस्ते दोस्तों, संतुलन किचन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एकदम इजी रेसिपी देखने वाले हैं जिसका नाम है मिक्स ग्रेन चिल्ला, या हम लोग पैनकेक भी उसको बोल सकते हैं। अभी इसमें हम लोग क्या क्या यूज़ करने वाले, तो पहली तो है उड़द की दाल, प्रोटीन से एकदम भरपूर है। बाजरा हमारे घर में होता ही है जनरली, नाचनी, रागी ये सभी को मालूम है। उसके बाद एक कांगू मतलब फॉक्सटेल मिलेट, उसके बाद है ज्वारी, ये भी हमारे घरों पे होती है, और ये है भगर या मोरदन या सामो बोलते हैं कुछ कुछ लोग। ये सब मिलेट्स हैं अलग अलग प्रकार की, जिसमें से हमें फाइबर्स भी मिलते हैं और पचने में भी एकदम हल्के होते हैं। इसको पचन के लिए हम लोग थोड़ा मेथी दाना डालने वाले हैं। उसके बाद हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं कोथमीर और मोरिंगा। तो कोथमीर तो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, पर मोरिंगा भी हमारे शरीर में सब मेटाबॉलिज्म को सुधारने के लिए मदद करती है, पर स्वाद में थोड़ी सी कड़वी या तिक्त जैसी होती है। तो अगर आपको नहीं भी पसंद आए तो आप इसको नहीं डालेंगे तो चल सकता है। और साथ ही में होता है छाछ, मतलब वो तो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि इसमें ग्लूटेन नाम मात्र के लिए भी नहीं है। तो जो लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंट है उनके लिए तो ये चल ही सकता है, पर जो बच्चे 8 महीने की उम्र से 12 महीने की उम्र तक जहाँ पे ग्रेन्स खा सकते हैं पर गेहूँ खाने के लिए हम लोग मना करते हैं, उन बच्चों को भी आप ये जो दिर्ड़ है या चिल्ला है वो आप बनाकर दे सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसकी रेसिपी। ये जो चिल्ला है ये फर्मेंटेड होने के कारण बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसके साथ आप किसी भी प्रकार की गीली चटनी बना सकते हैं, खोपरे की वगैरह, या किसी भी प्रकार की सूखी चटनी लेंगे तो भी चल सकता है। पर केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि इसके साथ टोमेटो केचप बच्चों को पक्का मत दीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। घर पर बनाते हो तो वाह भाई वाह, दे सकते हैं, साथ में कोई इशू नहीं है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उन्हें बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अलग अलग विषय हम आगे भी लेते रहेंगे। तो जुड़े रहिए अपनी सेहत के लिए अपने इस चैनल के साथ।